केदारनाथ की इस वीडियो को देख के मेरी आत्मा दुख पा रही और मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। देखिए कैसे चंद पैसों के लिए दो बेशरम आदमी एक लाचार घोड़े को जबरदस्ती गांजा पिला रहे हैं, जिसमें से एक आदमी ने घोड़े का पूरा मुंह बंद कर दिया ताकि धुआं अंदर जा सके। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम और आप जैसे लोग इन बेचारे घोड़ों पर बैठ के भगवान के मंदिर तक आसानी से बिना थके पहुंच सके। पर उन घोड़ों का क्या जिनके मालिक चंद पैसों की लालच में घोड़ों को गांजा पिलाते हैं ताकि उन्हें थकान और दर्द का एहसास ना हो। लेकिन भले ही वो बेजुबान घोड़ा बोल नहीं पाता, पर उनकी आंखों से निकले आंसू उनका दर्द बयान करते हैं। भगवान शिव भी तो पशुपति नाथ है ना, तो क्या ऐसे बेजुबान जानवर को तड़पा तड़पा के भगवान शिव के केदारनाथ धाम जाने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि ये सब बंद नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हिंदुओं में जब शुभ मुहूर्त की बात आती है तो सबसे ज्यादा अक्षय तृतीया को ही शुभ क्यों माना जाता है, क्या आप जानते हैं? दरअसल शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन को सबसे उत्तम तिथि माना जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। यही नहीं, माँ गंगा अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर पधारी थी। महर्षि व्यास ने गणेश जी से इसी दिन महाभारत लिखवाना शुरू किया था। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत समाप्त हुई थी। इसी के साथ अक्षय तृतीया के दिन ही दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था। धन के देवता कुबेर को इसी दिन स्वर्ग का खजाना दिया गया था और सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र भी इसी दिन दिया था। और खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की शुरुआत की जाती है। साथ ही इसी दिन से भक्तों के लिए बद्रीनाथ के द्वार भी खोले जाते हैं। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक अक्षय तृतीया के बारे में इतनी सब नॉलेज थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए और वहां से बड़ी बड़ी डील्स का झोला भर के ले आए, और उस झोले में से चार बड़ी डील्स को हम आपको बताते हैं जो कि आने वाले दिनों में भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच चार बड़ी डील्स में सबसे पहली डील है फाइटर जेट इंजन डील, जिसमें भारत और अमेरिका मिलकर फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। साथ ही अमेरिका भारत को जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। दूसरी डील है सेमीकंडक्टर डील, जिसमें अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनियां गुजरात में $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट डील है ड्रोन डील, जिसमें भारत अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने वाला है। चौथी इंपॉर्टेंट डील है आर्टेमिस स्पेस मिशन, जिसमें भारत ने अमेरिका के साथ आर्टेमिस मिशन अकॉर्ड साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका का नासा और भारत का इसरो मिलकर साल 2024 तक स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि इन डील्स में सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा या अमेरिका को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दुनिया के दो सबसे बड़े अमीर टेस्ला के एलोन मस्क और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के बीच में केज फाइट होने वाली है, यानी कि ये दोनों एक पिंजरे में बंद होकर मुक्केबाजी करने वाले हैं। पर क्या ये खबर सच्ची है? दरअसल हाल ही में एलोन मस्क ने एक ट्वीट करते हुए मार्क जुकरबर्ग को केज फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने भी इसका जवाब देते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा, सेंड मी द लोकेशन। कई लोगों को यह मजाक लग रहा था, लेकिन अमेरिका के अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के मालिक डाना व्हाइट ने न्यूज चैनल से कहा कि इलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग इस फाइट के लिए काफी सीरियस हैं। यही नहीं, इस फाइट से कमाए सारे पैसे चैरिटी में दान कर दिए जाएंगे। ये दुनिया की सबसे महंगी फाइट होने वाली है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्क जुकरबर्ग एक अरबपति होने के साथ साथ जुजुत्सु मास्टर भी हैं। यही नहीं, इलोन मस्क भी फाइटिंग में उनकी वॉलरूस मूव के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि मुकाबला कौन जीतेगा। वैसे गाइस, आप किसके सबसे बड़े फैन है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।